हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल एडुटेनमेंट फोकस प्लस। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एडुटेनमेंट फोकस प्लस पर, जहां पर हम अपनी नॉलेज पर फोकस करेंगे। मेरे इस चैनल पर आप सभी को नॉलेज मिलेगी मेनली इन टैक्सेशन फील्ड, इन GST, इन इनकम टैक्स एंड इन वेरियस अदर टॉपिक्स ऑल्सो। लेट्स स्टार्ट। मेरा नाम है जोयता और आज का हमारा टॉपिक है GST स्पेशल ड्राइव से रिलेटेड, जिस पे कि हमने इससे पहले भी अपने टॉपिक्स डिस्कस किए थे कि GST में अगर आप रजिस्टर हैं तो आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करनी है और क्या क्या इंपॉर्टेंट काम आप लोगों को कंप्लीट करना है। और उसके बाद हमने एक और वीडियो हमने डिस्कस करी थी कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सब कंप्लीट है लेकिन जो भी आपका जुडिशरी पर्सन आता है और अगर वो नहीं आपके डॉक्यूमेंट से सेटिस्फाई नहीं होता है तो आपको क्या करना है, ये सारे टॉपिक्स के ऊपर हमने अलग अलग वीडियोस देख चुके हैं। जो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं, जहां पर आपको इन सारे वीडियोस के साथ साथ GST स्पेशल ड्राइव पे जो हमारे इंफॉर्मेशन है उसके अलावा आप सभी को बाकी GST और इनकम टैक्स से रिलेटेड टॉपिक्स भी देखने को मिल जाएंगे, जिनकी प्लेलिस्ट है आप जाके चेक कर सकते हैं मेरे चैनल को। लेकिन आज की हमारी वीडियो है कि अगर अब से जो हमारी GST स्पेशल ड्राइव हमारी स्टार्ट हुई है, जो कि हम कह सकते हैं GST पे रेड, यानी कि जिस पे भी हमारे फेक रजिस्ट्रेशन, जो हमारे फेक रजिस्ट्रेशन करवाते हैं GST पे, उन सारे लोगों को पकड़ने के लिए GST ऑफिसर्स के लिए ये ड्यूटी स्टार्ट हुई है। अब एक न्यूज़ ऐसे भी आई है, ये हमारे CBIC ने नहीं करा है, कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट नोटिस नहीं आया है, कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं आया है CBIC, ये जस्ट एक आर्टिकल आया है जो कि खबर ऐसी है, अब बैंक स्टेटमेंट को भी GST डिपार्टमेंट करेंगे चेक, ऐसे करके हमारा एक नोटिस आया है, जिसमें कि जो हमारा GST का स्पेशल ड्राइव अभी स्टार्ट हुआ है, जो स्पेशल ड्राइव हमारा स्टार्ट हुआ है 16 मई से, उसमें हमारे बैंक स्टेटमेंट को भी चेक किया जाएगा। जी हाँ, जिस तरीके से हमारी इनकम टैक्स सारी चीज़ों को देखती थी, अब CBIC भी ये सारी चीज़ देखेगी हमारी। CBIC भी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट ड्यूटीज़ एंड कस्टम्स भी अब ये सारी चीज़ों को देखेगी, बैंक स्टेटमेंट को चेक करेगी, जैसा कि हमारा इनकम टैक्स करता है। इनकम टैक्स देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है, उनका मेन फोकस रहता है कुछ भी अलग से जो भी हमारी मनी ट्रांसफ़र हुई है, मनी का ट्रांसफ़र हुआ है या फिर हमारा आया है, मनी ट्रांसफ़र हुई है या फिर आए, ठीक है, यानी कि पैसों का आना जाना हुआ है, जिसमें कि वो एक वर्ड में कह देते हैं हाई ट्रांजैक्शन, जिनमें भी हाई ट्रांजैक्शन हुई है उन सारी चीज़ों को चेक करते हैं, उनके डिटेल्स को बैंक कलेक्ट करती है, जो कि सीधा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आ जाती है, पैन नंबर को वो कलेक्ट करते हैं, हाई ट्रांजैक्शन का अमाउंट डिपॉजिट करते टाइम या फिर विड्रॉ करते टाइम, जब भी ट्रांसफ़र होता है, हैंड टू हैंड हो, जैसे भी हो, ट्रांजैक्शन जैसे ही उसमें होती है हाई ट्रांजैक्शन, तो बैंक वालों के साथ उनके डॉक्यूमेंट्स को कनेक्ट करते हुए CBIC भी अब यही चीज़ करेगी, जो कि इनकम टैक्स करती थी, इनकम टैक्स को नोटिस मिल जाता था। CBIC काम करेगा कुछ ऐसा कि जिस तरीके से जो भी हमारे बिल्स आती हैं, ठीक है, वो बिल्स सबमिट होती हैं, उनका जो भी अमाउंट आता है, ओके, जो भी अमाउंट हमारा कट होना होता है, जितना भी अमाउंट हो XYZ, वो सारा अमाउंट क्या होता है, बिल्स आती हैं, तो CBIC काम ये चेक करेगी कि उन बिल्स की जो अमाउंट वहाँ पर आई है, क्या वो बिल्स बिल्कुल करेक्ट है, क्या वो GST में रजिस्टर है, क्या उनका काम बिल्कुल ठीक ठाक है। अब देखिए, हर एक ट्रांजैक्शन को इस तरीके से चेक करना इज़ नॉट डैट मच पॉसिबल, लेकिन CBIC अब कुछ ऐसा काम स्टार्ट करने वाली है, ऐसा न्यूज़ में आया है, एक आर्टिकल के थ्रू ये पता लगा है, ठीक है, कि जो भी हमारा ट्रांजैक्शन होंगे, जो भी अलग से ट्रांजैक्शन दिखे, जो उनको पर्टिकुलर, मतलब उनके दिमाग में जो खटक गया कि भाई ये चीज़ हाई ट्रांजैक्शन है, ठीक है, इसके बिलिंग जो आई है, इनका जो अमाउंट है, ये सब कुछ हमारा रजिस्टर है कि नहीं, इनका सारा काम कुछ सही है कि नहीं, ये सारी चीज़ें जो हैं अब हमारा CBIC भी चेक करेगा।
देखिए ये पॉसिबल नहीं है, पर ये काम इन्होंने स्टार्ट किया है। मेन हमारा जीएसटी स्पेशल ड्राइव का जो स्टार्ट हुआ है, जीएसटी स्पेशल ड्राइव जो कि हमारा 16 मई से स्टार्ट हुआ है और इसका काफ़ी लंबा ड्यूरेशन है, तो काफ़ी सारी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ अब धीरे धीरे सुनने में आती है। तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहना है। अगर आप गलत काम करते हैं तो बी अवेयर, आप सुधारें अपने आप को। और आपने अगर गलती से ये सब कुछ किया है, आपको पता ही नहीं है, तो इन सब चीज़ों को आपको देखना है। और कई बार होता ये है कि ये जो ट्रांजेक्शन होती है, ये क्या होती है, बैंक में जाते हैं वो घूमकर वापस आ जाती है। बैंक वाले भी उतना उस तरीके से देखते नहीं, क्योंकि ये फेक होती है, ये जीएसटी में रजिस्टर होते नहीं है, इनका कुछ डॉक्यूमेंट्री उनको मिल नहीं पाता है बैंक के लोगों को। तो बैंक पे जो ड्यूटी करते हैं वो क्या करते हैं, उन ट्रांजेक्शन को घुमाते रहते हैं, वो इधर उधर ऐसे ही घूमती रहती है। तो सीबीआईसी का मेन फोकस अब उन पे रहेगा कि ये जो फेक है, इनका ट्रांजेक्शन क्या है, एक ही बार में नहीं हो पाता है, बिकॉज इनका डॉक्यूमेंट जो है उनके साथ मैच नहीं होते हैं। ओके, तो इस वजह से ये घूमते रहते हैं, तो वो अलग से जाके उनको मतलब फोर्सफुली कि ये ऐसे किसी तरीके से वो उनको अपना अमाउंट पास करवाते हैं, निकालते हैं, बिलिंग उनकी कंप्लीट होती है, अमाउंट उनका जाता है। तो ये सारी चीज़ें अब सीबीआईसी देखेगी, ऐसा इन्फॉर्मेशन आया है। और ये इन्फॉर्मेशन मैंने इससे पहले भी आपको बताया, सीबीआईसी ने खुद से कोई नोटिस या कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली नहीं है, किसी ऑफिसर्स के द्वारा भी ये नहीं है, ये जस्ट एक न्यूज़ आर्टिकल से आया है। तो ये सीबीआई से नहीं दिया गया है, पर ऐसा हो भी सकता है, ऐसा न्यूज़ में आर्टिकल आया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। जिस तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपना बैंक स्टेटमेंट्स चेक करती है हर एक जो भी हमारे पार्टीज होते हैं, अब सीबीआईसी भी यही काम स्टार्ट करेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।